हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये गुलाब का फूल बना रहे हैं और फ़ोन में से देख के इसलिए बनाऊंगी मैं क्योंकि ये किसी कस्टमर का है और उन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट यही कलर होने चाहिए, तो इसीलिए मैं इस फ़ोन में से देख के कलर बनाऊंगी। ये जो ये फूल है ये सिल्क कलर से बना हुआ है, ठीक है, पर अपने ये फेविक्रिल कलर से बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको हल्का सा क्रीम कलर लिया है क्योंकि ये वाइट कलर का सूट है ना, तो वाइट कलर पर फिर वाइट ये दिखना नहीं था। सबसे पहले बिल्कुल इजी है कि सबसे पहले ये जो ऊपर ऊपर है ना, हम वाइट कलर लेंगे। मैं ये बड़ा ब्रश ले लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि फूल बड़ा है थोड़ा। ये जो मैंने ये ड्रॉ किया ना, उस लाइन के पास पास से वाइट कलर एक बार नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर लाइन लगानी है, ठीक है। अब इसको इस तरह से नीचे तक ले आएंगे। इसी तरह मैंने इसका दुपट्टा भी तैयार करना है और ये जब तैयार हो जाएगा तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी। ये दो फूल मैं इसको घेरे पे बना रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह जैसे फिल हो गया, अब मैं हल्का सा जो है पर्पल कलर लूंगी। पर्पल कलर लेकर और इसको धीरे धीरे ऐसे हम ब्रश को धो लेंगे और हल्का सा येलो कलर, वो मैं निकालना भूल गई थी, येलो कलर लेंगे थोड़ा सा और इसको ऐसे ऊपर की तरफ मिक्सिंग करेंगे येलो को और पर्पल को। ये थोड़ा हाथ फास्ट चलाना है क्योंकि अब गर्मियां है ना, तो गर्मियों में ये कलर जो है जल्दी सूख जाते हैं। अगर कपड़ा थोड़ा मोटा हो तो नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लगा सकते हो, उससे कलर जो है ना जल्दी नहीं सूखेंगे। और अगर आपको लगे ना ये ब्रश चल नहीं रहा है तो हल्का सा क्रीम कलर दोबारा ले लेंगे क्योंकि ये कलर सूख जाता है, या ब्रश को थोड़ा गीला कर लो। इस तरीके से देखो धीरे धीरे मिक्सिंग हो रही है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना इसको, बस यहीं तक ही। अब थोड़े थोड़े से पर्पल का थोड़ा सा ब्रश टच करके ऐसे बीच बीच में पैचेस से डालो। अब ग्रीन कलर लेंगे, लाइट ग्रीन कलर, थोड़ा सा वाइट को टच करके ग्रीन कलर लेंगे। ये बहुत सुंदर फूल बनेगा। बस ये है, थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आप धीरे धीरे से आराम से देखो, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा और आप घर पर ट्राई भी करना और फिर मुझे मैसेज भी करना कि आपसे ये फूल बना या नहीं बना। मुझे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि जो दुपट्टे में आप वो गोल्डन से डिज़ाइन करते हो वो ज़रूर बताएं, वो मैं अब कोई दुपट्टा में वो डिज़ाइन बनाना होगा वो ज़रूर बताऊंगी आपको मैं। ये देखो पहले ही मैंने ग्रीन कलर लिया था, फिर उसके अंदर हल्का सा रेड कलर मिक्स करना है इस तरह से। ये कोटरा इसका सूट है, थोड़ा सा ये हल्का सा जो है ना मोटा, अब हल्का सा वाइट कलर लेंगे। जब ये फूल बन जाएगा ना फिर मैं आपको ये मोबाइल में जो पिक है वो दिखाऊंगी।
जैसा जैसा आपको मोबाइल में कलर दिख रहा है ना, बस वैसा वैसा कलर लेते जाओ और ब्रश के साथ ऐसे मिक्सिंग करते जाओ। फिर हम इसकी आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन करेंगे जब तो एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे मोबाइल में रेड कलर दिख रहा है तो मैं रेड कलर कर रही हूँ, थोड़ा सा येलो दिख रहा है तो थोड़ा सा मैंने येलो ले लिया। 19-20 का कलर इधर उधर हो जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इसको इस तरीके से मिक्सिंग करना है ताकि ऐसे अलग सा ना लगे पत्ता, ऐसे लगे कि एक ही पत्ते के अंदर ये सारी शेडिंग आ रही है। अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। ब्रश अगर ना चले तो उसको बार बार गीला करते रहें, क्योंकि ये कोटराइज थोड़ा सा मतलब थिक होता है ना कपड़ा, अगर पतला कपड़ा हो तो फिर डायरेक्ट ब्रश गीला करके मत लगाएं, फिर फैल जाएगा आपका। फिर ब्रश को गीला करें लेकिन रफ कपड़े से साफ कर लें। अब ये देखो धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग करेंगे, पहले इसको तैयार कर लेंगे कच्चा। अब हम थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे और ग्रीन कलर, अब यहाँ पर ये करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सूट बनेगा क्योंकि ये इंग्लिश कलर है ना, लाइट लाइट कलर है। मुझे सेम ऐसा दुपट्टा भी बनाना है, वो मैं कल बनाऊंगी, कल वीडियो डालूंगी दुपट्टे की भी। आज मैं ये शर्ट तैयार करूंगी। ये अपने चार ये पत्ते बनते जा रहे हैं, फिर इसकी आउटलाइनिंग करेंगे तो उसमें सफाई आ जाएगी। बार बार ब्रश को गीला करना पड़ता है क्योंकि ये जो मोटा कपड़ा होता है ना वो फिर ब्रश सूख जाता है, उस पर पानी सोख लेता है सारा। और आप जो अगर कपड़े पर पेंटिंग करनी होती है ना उसको पहले धो लें, बाल्टी में आधी बाल्टी पानी की लेकर उसको भिगो कर रख दें और उसको अच्छी तरह से दबा दबा के, जैसे हंगालते हैं ना अपने, अच्छी तरह से निचोड़ के वो उसका जो अर्क लगा होता है ना रिवाइव, वो सारा निकाल दें। अगर कपड़े में वो रिवाइव होगा और उस पर आप डायरेक्ट पेंटिंग कर देंगे तो वो कई बार पेंटिंग क्रैक हो जाती है और उतर जाती है। मेरे पास जो है ना कमेंट आया था कि आप प्लीज़ बताएं जो हम पेंटिंग करते हैं ना वो कई बार धोने पर क्रैक हो जाती है, वो इसीलिए क्रैक हो जाती है। कपड़े को पहले भिगो दो 4-5 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरह, फिर उसको दबा दबा के एक और साफ बाल्टी आधे पानी में अच्छी तरह से निकाल के सुखा के अगर उसको प्रेस कर लो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर फ्रेम में वैसे सीधा हो ही जाता है सूट। और उसके 24 घंटे बाद पेंटिंग 24 घंटे तक जो है ना सूखती नहीं है, गीली रहती है, और 24 घंटे के बाद उसको आपने प्रेस करनी है गर्म गर्म प्रेस से, और वो भी बैक साइड से। और अगर आप चाहते हो ना आपके कि पेंटिंग फीकी ना पड़े और लॉन्ग लंबे समय तक, अब ये देखो ये मैं अपनी बात बीच में छोड़ते हुए पहले मैं आपको ये फूल का बताती हूँ फिर बताती हूँ मैं। अब जो हमने ये लाइन छोड़ी थी ना वहाँ पर हमने पर्पल कलर की जो लाइन लगा ली है जहाँ जहाँ पे वो हमने वो डिज़ाइन सा था ना, और पतला पतला चलाना है, ज़्यादा थिक नहीं चलाना। ये देखो हो गया। अब यहाँ पर भी शेडिंग देनी है। अब इसके साथ थोड़ा सा ना वाइट कलर और लगा लेंगे क्योंकि वो नीचे वाला वाइट सूख गया है, थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइट करके मिक्सिंग सी कर लेनी है, ऐसे लाइन ना लगे, बस ये ध्यान रखना। अब ये लाइन लग रही है ना साइड पे, देखो ये लाइन लग रही है, लाइन नहीं लगनी चाहिए, इसको वाइट कलर मिला के लाइन लाइनिंग को ख़त्म करना है हमने, इसको ऐसे स्प्रेड करते जाओ, इसकी लाइनिंग ख़त्म कर देंगे।
अब ये जो लाइन है इसको भी साइड से वाइट कलर लेके थोड़ा थोड़ा ये देखो ये सूख गया है, इधर से गीला है अभी। बादल एक बार वीडियो बंद करी। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे, ठीक है। आउटलाइन के लिए थोड़ा सा ग्रीन कलर है ना जो, उसके अंदर डार्क कलर मिला लो, कोई भी ब्राउन जो इस पर चलाएंगे ना डार्क दिखे। अगर आपने मोटा मोटा इफेक्ट देना है तो मोटे ब्रश से, अगर बारीक इफेक्ट देना है तो बारीक ब्रश से। अब इसकी आउटलाइन कर रहे हैं हम। और एक बात और, जो हमने ये फूल बनाया है ना, फिर बिल्कुल साफ पानी से ब्रश को धोकर वाइट कलर लेकर, वाइट कलर से ऊपर ऊपर वाइट कलर का यहाँ यहाँ पर ना पर्पल के नीचे नीचे वाइट कलर का ब्रश चलाना है, ये हाईलाइट करेगा इसको। अभी धीरे धीरे इसको फिनिशिंग करेंगे थोड़ा सा ना। हाँ जी, तो ये देखो ये फूल बनकर तैयार हो गया। 19-20 का फर्क तो आएगा क्योंकि ये सिल्क कलर है और हमने ये फेविक्रिल कलर से बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने सूट रेडी है। आप कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अच्छा।